हुआ आ गया है मोमोज। वाओ ये देखिए, इधर तीखी और मीठी दोनों चटनी है और सूखी वाली चटनी भी है इसमें, और वड़ा जो है एकदम गरम है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं एक बार फिर से हूँ मुंबई की सड़कों पर, और आज के इस व्लॉग में मैं यहाँ के तड़कते भड़कते स्ट्रीट फूड खाने वाली हूँ। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। तो भाई हम वीडियो की शुरुआत करेंगे पानी पूरी खा के। ये देखिए, तो भैया पानी पूरी कैसे है? 20 रुपये प्लेट, एक प्लेट दे दीजिए, खिला दीजिए हमको। और ये देखिए यहाँ पे पानी पूरी, वाओ, मतलब जितने 20 रुपये में कितने देंगे आप? 6 फ्लेवर देखिए यहाँ पे सारे, लेकिन इसमें तो 7 लिखे हैं। अच्छा, लॉकडाउन के बाद भैया ने 6 कर दिए हैं, पहले ये 7 देते थे। और देखिए कितने सारे फ्लेवर हैं, जीरा, लहसुन, हाजमा, पुदीना, रेगुलर मिक्स फ्लेवर और खजूर इमली। और ऐसा तो आप बताइए कहाँ मिलता है, ऐसा हमारे लखनऊ में मिलता है। तो हो गया भैया, पहले कौन सा खिला रहे हैं? पहले खिला रहे हैं जीरा। तो ये गया जीरा वाला। एक नंबर का, मतलब पानी तो एकदम ठंडा, बहुत मतलब मजा आ गया खा के। दूसरा कौन सा भैया? लहसुन। भैया मोमोज कैसे है? वेज। अच्छा मेन्यू दिखा दीजिए। ये देखिए इसमें इसमें तो रेट लिखा ही नहीं है भैया, इतने सारे मोमोज बता रहे हैं। देखिए ये नॉन वेज है, ये वेज है, और इसमें भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं कौन सा हम कौन सा खाते हैं। हम स्टीम मोमोज खाते हैं, यही खा के देखते हैं। भैया स्टीम मोमोज फर्स्ट वाला, स्टीम वाला हाँ हाँ दे दीजिए यही एक प्लेट। वो आप कैसे खाएंगे, आपने चम्मच नहीं दिया कुछ भी, हाथ से ही। अरे यार क्या भैया, अरे कुछ तो दीजिए, हाथ से उठा उठा के खाएंगे क्या भैया, मतलब कैसे खाएंगे यार। ये देखिए गाइस, मेरा तड़कता भड़कता हुआ आ गया है मोमोज, और जिसमें भैया ने चटनी भी दी है, ये तीखी चटनी है कि मीठी है पता नहीं, खाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए पहले खाते हैं। ओह बहुत गर्म है, ठीक है, मतलब ओके ओके है। और ये जो मोमोज है, ये भैया ने 50 रुपये प्लेट दिया और इसमें 6 हैं, और हमारे यहाँ यूपी में 20 रुपये का एक प्लेट मिलता है जिसमें 6 रहते हैं। और चलिए मैं जल्दी जल्दी ये मोमोज ख़त्म करती हूँ, और तब तक आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करिए, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं स्ट्रीट फूड का वीडियो बनाऊँ उसमें वड़ा पाव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए हम आ गए यहाँ से वड़ा पाव। अंकल एक वड़ा पाव दे दीजिए जी, अच्छा बना के दे दीजिए, जो भी खट्टी मीठी सब डाल दीजिए। देखिए हमारा आ गया है वड़ा पाव, और देखते हैं इसमें, वाओ ये देखिए, इधर तीखी और मीठी दोनों चटनी है और सूखी वाली चटनी भी है इसमें, और वड़ा जो है एकदम गरम है। तो अब हम खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है, किधर से खाएं। ओह बहुत गर्म है, वाह यार एक नंबर का है, मतलब हमने जो वहाँ खाया था ना वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा आपने, 5 रुपए वाला, उसे बहुत अच्छा है।
और एकदम गरम गरम वड़ा है तो खाने में मज़ा आ गया यार। वड़ा पाव फटाफट फिनिश करते हैं फिर कुछ और ट्राई करते हैं। सब कुछ खाने के बाद अब यहाँ का भेलपुरी भी ट्राई कर लेते हैं। अंकल एक सूखा भेल बना दीजिए। टाइम लगेगा क्या? तो ये देखिए हमारा सूखा भेल बन के आ गया और ये देख रहे हैं, वाह ये स्पून है मतलब चम्मच है और पहली बार ऐसा चम्मच है जिसको हम खा सकते हैं। तो खा के देखते हैं कैसा है। अच्छा बनाया अंकल ने। अंकल जी ये तो पहले 10 रुपए का मिलता था, 10 रुपए गलत है, लॉकडाउन के बाद बढ़ा दिए हैं क्या? 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, पता नहीं, पहले 10 रुपए का मिलता था, अंकल जी 20 का ही देते हैं। मैं ये मेरा भेल पूरी ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो पूरी मार्केट देख रहे हैं ना, पूरे स्ट्रीट फूड लगा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं यहाँ का मैप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करिएगा। कर दो यार भैया, शेयर करने में थोड़े ना पैसे लगते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।